देखिए, लास्ट क्लास में हमने हाउ टू ऐड टू डिजिट नंबर विथ इट्स डिजिट इंटरचेंज हमने पढ़ा था ना। जैसे क्या वाला पढ़ा, ए बी प्लस बी ए, 11 इंटू ए प्लस बी, ये पढ़ा था ना। और इस पे हमने क्वेश्चंस देखे थे कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी सेम साइन होता है तो हम ऐसा ऑपरेशन क्या करते हैं, एडिशन का, सेम साइन के केस में। जैसे माइनस ए माइनस बी, तो आप क्या करेंगे, माइनस ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी होगा तब तो ए प्लस बी तो होगा ही। तो आप देख रहे हैं कि जब भी सेम साइन है, माइनस, जिनका माइक ऑन रह जाता है ना प्लीज ऑफ कर लिया करिए, जब भी सेम साइन है तो हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, और जब भी ऑपोजिट साइन होता है तो हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं। ऑपोजिट साइन के केस में सब्सट्रैक्शन, और ये ऑपोजिट साइन के केस में सब्सट्रैक्शन के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि माइनस लगाना है कि प्लस लगाना है। आप सेम साइन में तो जो साइन रहता है वही लगाते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस लगाते हैं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाते हैं। लेकिन ऑपोजिट साइन के केस में लेट से 7 माइनस 9 क्या होगा, तो यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो आप क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, 9 माइनस 7 दैट इज 2। अब पता नहीं कि प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है, तो क्या लगाते हैं यहाँ पे, तो जो बड़े डिजिट का साइन होता है ना हम उस साइन को फॉलो करते हैं। यहाँ पे बड़े डिजिट का साइन क्या है, माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं। ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है, ऑपोजिट साइन के केस में जो बड़े डिजिट का साइन होता है हम वही पुट करते हैं। ऑपरेशन क्या होता है ऑपोजिट साइन के केस में, ऑलवेज सब्सट्रैक्शन। 14 माइनस 11 प्लस माइनस ऑपोजिट साइन, अपोजिट साइन में क्या लगेगा, अपोजिट साइन में ऑपरेशन क्या होगा, माइनस का, माइनस तो माइनस कर दिया, साइन क्या लगेगा, तो बड़े डिजिट का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस प्लस 3 प्लस। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल और भी इंक्रीज करते हैं। जैसे कोई भी दो डिजिट नंबर है 79 माइनस 97, अब डिजिट और उसका इंटरचेंज डिजिट इसको अब माइनस करना है, इट कम्स विद द अपोजिट साइन। तो इस केस में हम क्या करते हैं, माइनस करना है ना, तो 9 इंटू डिफरेंस बिटवीन द डिजिट, डिफरेंस बिटवीन डिजिट, 9 इंटू डिफरेंस बिटवीन द डिजिट। अभी देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द डिजिट, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ दो डिजिट के बीच का डिफरेंस देखना है, 9 और 7 के बीच का डिफरेंस क्या है, 2। तो आपने क्या किया, 9 इंटू 2 दैट इज 18। लेकिन साइन क्या होगा, तो देखिए अपोजिट साइन है तो हमने माइनस तो कर दिया, हम 18 तो आ गया, जो बड़े डिजिट का साइन होता है वही पुट करते हैं, तो बड़ा डिजिट इसमें क्या है, 79 की 97। इसमें बड़ा डिजिट क्या है, 79 है कि 97 है, 97 सर, 97 है ना, तो 97 का साइन क्या है, माइनस का, तो हमने माइनस लगा दिया। यही क्वेश्चन रहता है 79 प्लस 97, तो आप क्या करते हैं, 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट, तो आप क्या करते, 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट, 9 और 7 का सम क्या है, 16, तो 11 इंटू 16, तो 11 इंटू 16 अब करना आता है ना। अब तो आपको याद हो चुका होगा 11 से कैसे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले क्या करेंगे 6, फिर इस दोनों का एडिशन, 6 प्लस 1 7, और देन लास्ट में 1। तो 176, ये था आपका, जब टू डिजिट नंबर आपस में इंटरचेंज होता है तो उसका एडिशन कैसे करते हैं। आज हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जब दो डिजिट नंबर आपस में सब्सट्रैक्शन के मेथड में आता है तो उस केस में हम क्या फॉलो करते हैं, उस केस में होता है 9 इंटू डिफरेंस बिटवीन द डिजिट, यहाँ पे होता है 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट। अगर इसी तरीके का मैं आपको क्वेश्चन दूँ, 54 माइनस 45 प्लस 67 माइनस 76 प्लस 53 माइनस 35
79 -97 +43 -34 +31 -13। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए क्या होगा आंसर। कन्वेंशनल मेथड नहीं करना है कि 54 67 53 सब ऐड करते रहें तो एग्जाम ही ओवर हो जाएगा। अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाया ना उस कॉन्सेप्ट पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आया किसी का आंसर? किसी का नहीं आया। चलिए देखिए, अब इतना लेट तो क्वेश्चन में लगना नहीं चाहिए, तब कहीं ना कहीं हमारा अप्रोच गलत हो रहा है। एक बार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप लोग अपने से करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, हर नंबर आप देख रहे हैं ना, वो नंबर उसका इंटरचेंज नंबर इंटरचेंज नंबर इंटरचेंज लाइक दिस। इस केस में हमने क्या पढ़ा है, 9 इंटू डिफरेंस बिटवीन द डिजिट प्लस 9 इंटू डिफरेंस बिटवीन द डिजिट डिफरेंस बिटवीन द डिजिट, ऐसा करते चले जाएंगे ना। तो आप देख रहे हैं ना कि हर केस में 9 9 9 9 तो आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। डिफरेंस बिटवीन द डिजिट 5 और 4 के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 5। ये वाला अगर ये दोनों नंबर का करें, 5 और 4 के बीच का डिफरेंस यस क्या होगा, क्या होगा, वन सर, वन। तो इसका साइन कौन सा आएगा, प्लस का माइनस का, प्लस प्लस का, प्लस वन कर दिया। यहाँ पे क्या करे, सेवन और सिक्स के बीच का डिफरेंस माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन कर दिया। यहाँ पे क्या करे, वन वन कैसे, टू टू प्लस माइनस प्लस टू माइनस टू ऐसे बोलिएगा, प्लस टू माइनस टू। प्लस वन माइनस टू प्लस वन प्लस टू प्लस टू नॉट माइनस टू। अब देखिए प्लस वन माइनस वन कैंसिल, प्लस टू माइनस टू कैंसिल, प्लस वन प्लस टू क्या हो गया, प्लस थ्री। 9 इंटू 3 27 जो आंसर। समझ आया कैसे करना है? यस सर। किसी को डाउट है? मुनीर मकबूल बोल रहे हैं कि सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, एम आई नॉट ऑडिबल? नो सर, अब आ रही है, अब आ रही है। चलिए तो ये आप देख रहे हैं कि अगर आप सही अप्रोच फॉलो करेंगे तो कितना इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप ट्राई करते हैं, ये आप लोगों को करना है। प्लस वन कैसे आया अगर माइनस था, किस केस में प्लस वन आया बताइए। प्लस वन किस केस में, कौन सा बोल रहे हैं प्लस वन कैसे आया, ये वाला प्लस वन अभी हमने देखे ना, साइन तो ग्रेटर देन है, अभी हमने देखा ना कि जब भी अपोजिट साइन होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। साइन किसका होता है, जो ग्रेटर नंबर होता है, जो ग्रेटर डिजिट होता है। तो 54 और 45 में कौन ग्रेटर है, 54 ग्रेटर है ना, तो 54 का साइन क्या है, प्लस का साइन है ना, इसलिए प्लस वन आया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 67 और 76 में
माइनस का की है ना डिफरेंस बिटवीन द डिजिट 7 और 6 का 1, लेकिन यहाँ पे कौन सा ग्रेटर है, 67 की 76, 76 ग्रेटर है, 76 के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है माइनस का, हमने माइनस 1 लगाया। देन 53 के साथ देखिए, 53 और 35 डिफरेंस बिटवीन द डिजिट 2 है, लेकिन अब प्लस 53 और माइनस 35 है, ग्रेटर कौन सा है 53, उसके साथ प्लस का साइन है, हमने प्लस 2 लगाया। सेम यहाँ पे 79 97 में डिफरेंस बिटवीन द डिजिट 2 आया, प्लस 2 लगाएंगे माइनस 2 लगाएंगे, माइनस 2 लगाए क्योंकि 97 कम्स विद द नेगेटिव साइन इन दिस क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोगों को सॉल्व करके फटाफट बताना है। 37 माइनस 73 प्लस 56 माइनस 65 प्लस 51 माइनस 15 प्लस 72 माइनस 27 प्लस 50 माइनस 5 प्लस 38 माइनस 83 प्लस 20 प्लस वेट 49 माइनस 94 प्लस 53 माइनस 35 प्लस 46 माइनस 64, टेल मी द आंसर फास्ट। इसमें थोड़ा और ऐड मैं कर देता हूँ, 36 माइनस 63 माइनस 99 एक आंसर आ रहा है, माइनस 99। लेट्स सी, माइनस 36 माइनस 26 माइनस 36 माइनस 36 पता है, अब एग्जाम में लेट से चार ऑप्शन लिखा हो ना ए बी सी डी, तो थोड़ा स्मार्टली भी आप लोगों को आंसर करना चाहिए। अगर ए बी सी डी में चार ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल है तो आंसर तो वही होगा ना, 54 अच्छा प्लस 54। चलिए अब हम लोग एक बार इसको सॉल्व करते हैं, क्या करना है, 9 इंटू डिफरेंस बिटवीन द डिजिट 7 और 3 का डिफरेंस क्या है 4, प्लस 4 की माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 यहाँ पे क्या आएगा बताते चलिए, माइनस वन फिर सर प्लस फोर फिर प्लस फाइव माइनस फाइव प्लस फाइव, अरे माइनस फाइव कैसे आएगा, माइनस फिफ्टी और जीरो फाइव में कौन सा ग्रेटर है, प्लस फाइव माइनस फाइव माइनस फाइव, 38 और 83 में माइनस फाइव
अब देखिए जो जो कैंसिल हो रहा है पहले कैंसिल करें, प्लस टू माइनस टू कैंसिल, माइनस फाइव प्लस फाइव कैंसिल, प्लस फोर माइनस फोर कैंसिल, तो बचा क्या माइनस वन और इधर माइनस थ्री, माइनस फोर इंटू नाइन दैट इज माइनस थर्टी सिक्स इज योर आंसर। तो ये माइनस नाइनटी नाइन फिफ्टी फोर ट्वेंटी सिक्स ये सब आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा माइनस थर्टी सिक्स। अब जैसे ऑप्शन में अगर एग्जामिनर आपसे सॉल्व ही नहीं करवाना चाहता, वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि आपको पता है कि नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ऑप्शन में लिखा हो माइनस थर्टी सिक्स माइनस फिफ्टी फाइव माइनस सेवेंटी सिक्स माइनस ट्वेंटी, तो अब आपको पता है ना कि ये 55 9 का मल्टीपल है, नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। 76 9 का मल्टीपल है, नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। 24 9 का मल्टीपल है, नहीं है, तो एक ही 9 का मल्टीपल है, तो आंसर क्या होगा, ये होगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट समझने के बाद बहुत ऐसा टाइम होता है जब एग्जामिनर ये नहीं चाहता है कि आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें, वो बस ये देखना चाहता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको पता है ना कि जो भी नंबर होगा तो 9 का मल्टीपल होगा, चार ऑप्शन में अगर तीन ऑप्शन नाइन का मल्टीपल नहीं है तो जो एक ऑप्शन बचा वही तो आंसर होगा। क्लियर है, इस तरीके से सोच लेंगे एग्जाम में। समझ आया मैंने क्या बोला है यहाँ पे? क्या कोई डाउट? नो सर। नो, फाइन, चलिए नो डाउट देन solve this question, tell me the answer. क्या होगा आंसर? प्लस 27। यस, इट्स सो सिंपल। प्लस 27। प्लस 27। प्लस 27। क्या करना था? 9 इनटू डिफरेंस, तो ये प्लस 2 माइनस 2, बस बताते चलिए। माइनस 2। माइनस 2। माइनस 2। माइनस 2 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 4। तो देखिए ये 8 और ये माइनस 5 दैट इज प्लस 3। प्लस 3 इनटू 9 प्लस 27। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है? नो सर। नो सर। सबका क्लियर है? यस सर। कोई भी जिसको डाउट हो क्लास में ही क्लियर करेंगे। सर सर जो आपने पहले लेक्चर दिया है ना सर। हाँ हाँ सर, जो पहला वाला लेक्चर है मतलब उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन है ना, हमको कैसे पता चलेगा कि उसको डिफरेंस करनी है या वो क्या क्वेश्चन में दिखा वहां पे आएगा? मतलब क्वेश्चन में थोड़ी दिया रहता है, आपको तो फाइंड आउट करना है ना, वही तो मैं समझा रहा हूँ कि जब भी सेम साइन वाला कॉन्सेप्ट होगा, सेम साइन तो आपको प्लस करनी है, और जब ऑपोजिट साइन होगा तो आपको माइनस करना है। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों ऑपोजिट साइन है ना, ये प्लस 68 और माइनस 86, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, ऑपोजिट साइन है ना। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? इसलिए आप यहाँ पे सम करते थे। दूसरा क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, देखिए प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या है
सेम साइन है ना, दोनों माइनस है तो सेम साइन है ना, सेम साइन के केस में हमेशा क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है आपको, तो क्वेश्चन सिर्फ ये रहेगा, ये तो आपको फाइंड आउट करना है ना। ओके थैंक यू सर। ओके चलिए ये वाला क्वेश्चन करके बताइए। किसी का माइनस नाइन के अलावा भी आंसर है? नो सर। सबका माइनस नाइन है तो ओके, जब सबका माइनस नाइन है तो लेट्स गो विद द मेजॉरिटी, माइनस नाइन इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्या करना है, नाइन इंटू डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट और फाइव के बीच का डिफरेंस थ्री, माइनस साइन के साथ माइनस थ्री, देन ये माइनस टू, देन ये प्लस टू, देन ये प्लस टू, तो बस माइनस टू प्लस टू कैंसिल, माइनस थ्री प्लस टू क्या हो गया माइनस वन, माइनस नाइन, माइनस वन इंटू नाइन क्या होगा माइनस नाइन, तो सी इज करेक्ट आंसर। ओके वंडरफुल, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कौन बताएगा? अब ये तो मिक्सचर वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें एडिशन भी है सब्ट्रैक्शन भी, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? चलिए एक बार आप लोग ट्राई करिए, एक डेढ़ मिनट का मैं टाइम देता हूँ, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। आया किसी का आंसर? 293 सर। कैसे आया चलिए बताइए मुझे एक बार सर। पहले जो माइनस वाले हैं जो जी सर, वंडरफुल, जो माइनस वाले उनको एक तरफ ले लेंगे, जो प्लस वाले 293 ले लेंगे। तो चलिए प्लस वाले कौन कौन सा है? वंडरफुल, प्लस वाले कौन कौन सा है? तो सेम साइन, सेम साइन सर, इसमें आ गया माइनस एटीन प्लस वन टू वन प्लस क्या करेंगे फोर प्लस थ्री सी। हाँ वंडरफुल, तो इसमें क्या करेंगे, सेम साइन वाले इलेवन इनटू सम ऑफ द डिजिट, सेवन और फोर का एडिशन इलेवन, प्लस नाइन और फाइव का एडिशन फोर्टीन, और प्लस क्या करेंगे नाइन इनटू डिफरेंस बिटवीन द डिजिट, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट वाला कौन सा है, सिक्स माइनस टू, माइनस टू, और ये प्लस फोर, प्लस फोर, वंडरफुल। अब ये क्या आ गया, इलेवन इंटू ट्वेंटी फाइव प्लस
9 into 9 2 11 to 25 you know 5 then 5 plus 2 7 and then 275 9 to 18 275 18 add karna hai is 293 293 this is the correct answer to maine alag alag kiya hai sabka clear hai yes sir yes sir pehle humne padha tha जब सेम डिजिट वाला पढ़ा था उसमें सिर्फ एडिशन देखा फिर हमने बाद में सबट्रैक्शन वाला पार्ट देखा उसमें भी ऐड कैसे करते हैं उसके बाद फिर हमने डिफरेंस बिटवीन द डिजिट वाला कॉन्सेप्ट देखा उस पे क्वेश्चन किया अब ये मिक्स क्वेश्चन टेल मी द आंसर इतना टाइम आप लोग लगा रहे हैं इतना तो लगना भी नहीं चाहिए टू जीरो फाइव ऑप्शन डी सर टू जीरो फाइव ओके लेट्स सी ऑप्शन डी इज करेक्ट सबका 205 आ रहा है किसी के इसके अलावा भी आंसर आया नहीं सबका 205 तो चल देखते हैं 205 करेक्ट होना चाहिए क्या है ये प्लस वाला दोनों और ये बस ये दोनों नंबर आपका कैसे चलेगा 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट 9 और यहाँ पे 8 प्लस 9 इंटू डिफरेंस बिटवीन द डिजिट डिफरेंस बिटवीन द डिजिट क्या है 7 4 का 3 माइनस 3 तो इट विल कम विथ माइनस 3 9 4 5 it will come with plus 5 ab 11 into 17 plus 9 into 2 9 into 2 ab 11 into 17 7 yeah. then 8 and then plus 18 so 187 plus 18 is 205 well done 205 is the correct answer bolie sabko ab ye wala concept clear hai na yes sir koi dikkat nahi ओके फाइन अब हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं स्क्वायर ऑफ अ नंबर हैविंग फाइव एट यूनिट्स प्लेस यूनिट्स प्लेस पे क्या हो फाइव हो जैसे 35 into 35, 45 into 45, 55 into 55, ऐसे वाला क्वेश्चन जब यूनिट डिजिट पे 5 हो इस केस में देखिए हम लोग क्या करते हैं कुछ ज़्यादा नहीं होता है 5 into 5 क्या होता है 25 आपने लिख दिया 25 जो डिजिट रहता है ना 5 के अलावा उसमें 1 ऐड करके उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 3 है तो 3 में 1 ऐड कर दिए क्या होगा 4 और 4 को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 4 इंटू 3 दैट इज 12 सो योर आंसर इज 1225 45 इंटू 45 है ना क्या करना है बताइए क्या होगा आंसर 2025 15 इंटू 15 क्या होगा आंसर 3025 यस सर 15 इंटू 15 3025 होगा आप लोग सब इसका आंसर देने लगे थे yes. क्या होगा इसका आंसर 65 का स्क्वायर क्या होगा आंसर
25 का स्क्वायर क्या होगा? 625 का स्क्वायर क्या होगा? 5625 का स्क्वायर क्या होगा? 1025 है क्या? 115 का स्क्वायर क्या होगा? 1325 बोलिए, सब कुछ समझ आया? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। सबका क्लियर है? आप लोग कॉपी पेन पे नोट कर रहे हैं ना चीजों को, जो भी पढ़ रहे हैं उसको नोट कर रहे हैं ना? ओके फाइन। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर या टू डिजिट नंबर नहीं, कोई भी नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर हैविंग फाइव एट यूनिट प्लेस। लेट्स से 45 × 65 कैसे करेंगे? सुरेंद्र कुमार डाउट है, बोलिए क्या डाउट है, बोलिए। चलिए तब तक ये वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब फाइव यूनिट प्लेस पे होगा तो उस दो डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? अभी मैंने आपको क्या समझाया, 5 × 5 = 25 और जो दो डिजिट दिया रहता है ना फाइव के अलावा, यहाँ पे क्या है 6 और 4, तो इसमें एक ऐड करते हैं। अब इसमें ऐड किसमें करेंगे, तो जो बड़ा वाला डिजिट है उसमें करते हैं, 6 में एक ऐड किए। एक मिनट समझा रहा हूँ सुरेंद्र, वेट। 6 में एक ऐड किए, 6 + 1 क्या हो गया 7, और फिर जो नंबर दिया रहता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 4 = 28। यहाँ तक तो समझ आ गया, लेकिन यहाँ पे कुछ और एडिशन भी होता है। एडिशन क्या होता है, तो इस दोनों डिजिट का जो डिफरेंस होता है उसको 50 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 और 4 के बीच का डिफरेंस 2 × 50 = 100। तो 2825 में 100 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2925। तो आंसर क्या हो गया, 2925। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। 35 × 65 क्या है, कैसे करना है? तो देखिए 25 तो लिख दिया, फिर जो बड़ा वाला डिजिट है उसको 1 ऐड करेंगे, तो 6 में 1 ऐड किया 7 = 21। प्लस क्या ऐड करना है, इस दोनों बीच के डिफरेंस क्या है, 3 × 50 हां 3 × 50 क्या होगा, 150 ऐड कर देंगे इसमें, तो 2125 में 150 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2275। हो गया। इसको अभी बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैं इस पे प्रैक्टिस कराऊंगा। बिफोर दैट सुरेंद्र कुमार पूछना सर, स्क्वायर वाला दोबारा से समझाएं। 85 स्क्वायर का क्या मतलब है, 85 × 85 है ना, यही तो मतलब है।
कर क्या रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, 8 प्लस 1 9, 9 इंटू 8 दैट इज 72, 7225। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट ही करते हैं, ये जो डिजिट रहता है उसमें 1 ऐड किया, 4 इंटू 3 12, 1225 प्लस कुछ ऐड करना है, इसमें ऐड क्या करना है, तो दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस क्या है, जीरो है, तो 0 इंटू 50 तो कुछ भी ऐड नहीं हुआ, जीरो ही ऐड हुआ, तो 1225 में जीरो ऐड हुआ तो क्या बन गया, 1225। ठीक है, चलिए अब आंसर करते रहिए फटाफट।